दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन, वेर वी एम टू रीच एट ईच बिलियन पॉपुलेशन। सो गाइस, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। खुशी होती है जब आप लोग के लिए हम लेक्चर बनाते हैं। तो गाइस, ये है आपके लवर की ज्योग्राफी। स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ने वाले फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेदरिंग। तो पहला जो फैक्टर है वो है पानी, जल, वाटर, नीर, और क्या बोल सकते हैं इसे, और कुछ बच्चे और भी बोलते हैं। तो वाटर, वाटर इज अ वेरी कॉमन फैक्टर विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेदरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ऐसे पॉइंट आप एग्जाम में लिख दीजिए कि बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आने बोलना होता है, सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कंपनी, कंपनी सर इन प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल थिंग्स फॉर आवर कंपनी एंड दिस कैन रीच एंड मेक माइलस्टोन इन द मार्केट। अच्छा अच्छा लैंग्वेज फेंकिए फेंकिए, जो देखता है वही बिकता है, मजा है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लार्जली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। अवेलेबिलिटी मतलब पानी है या नहीं, वो डिपेंड करेगा ऊपर के क्लाइमेट पे। अब आप कोई बोलेंगे कि नीचे पानी रहा, अरे भैया पानी तो ऊपर से ही आएगा ना, नीचे से थोड़ी पानी आता है। नीचे का पानी का सोर्स एक ही है, ग्राउंड वाटर। क्या है? ग्राउंड वाटर। तो वही एक तो सोर्स होता है, बाकी तो वो भी कहीं और से ही आता है, ऊपर से ही आएगा। नीचे पानी नहीं बनता धरती के जब तक कि आप समुद्र के नजदीक नहीं है, ठीक है। सो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। अब ये मत बोलना भैया वेदर और क्लाइमेट में फर्क क्या है, या वेदर और क्लाइमेट में फर्क नहीं जानते तो प्लीज जाके हमारे वीडियो चेक कर, पीछे के वीडियो को चेक करिए ना। और इसके पहले हम गर्मी का डाल दिए हैं, पूरा पूरा पहला चैप्टर पूरा हो गया है, दूसरा शुरू किए हैं, तीसरे वो साथ में शुरू किए हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए। इट एंटर्स द स्मॉल पोर्स, क्रैक्स एंड फिशर्स इन साइड द रॉक्स। तो ये तो हमारा ब्रेटली बोल रहा हूँ, जेटली का डायलॉग है, ऑलवेज लाइक अ वाटर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल लाइक अ वाटर। तो देखिए कहीं भी घुस जाता है, छोटे से होल में भी, क्रैक्स में भी, और फिजर में। क्रैक्स का बड़ा वर्जन है फिजर। इन द एरियाज वेयर डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हाई, डायर्नल मतलब दो बार, ठीक है। वाटर इनसाइड द रॉक्स फ्रीजेस ड्यूरिंग द नाइट्स एंड ड्यूरिंग डे टाइम इट अगेन बिकम वाटर, ठीक है। सो डायर्नल मतलब दो बार, तो समझे, अगर ये दिन में अगर गर्मी है तो पिघल, रात को अगर ठंडी बहुत है तो एकदम फ्रीज जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आपको। तो डायर्नल का मतलब, देखिए डायर्नल क्या होता है, डायर्नल सीजन भी होते हैं, डायर्नल डे भी होता है, तो ऐसे याद रखना होता है। ये नहीं होता है कि आप लोग कहीं नेट पर सर्च कर लेंगे तो कि भैया ठंडी गर्मी हो, ऐसा नहीं है। डायर्नल दो बार, तो दो चीजें होती हैं यहाँ पे, दिन में दो बार चेंज होता है वाटर का कंडीशन। When the water freezes, volume increases. ये भैया वॉल्यूम क्या हो गया, अगर हम ज्यादा खाना खा लें तो पेट मोटा हो जाता है, डाइट वॉल्यूम इंक्रीजेस, और वहीं पे पतले हो जाए, सुकड़े हो जाए तो पेट एकदम सुकड़ा रहता है, डाइट वॉल्यूम डिक्रीजेस। इसी तरह से पानी का है, पानी जब ठंडा होता है तो मोटू हो जाता है, धक्का देने लगता है, आइस बन जाता है ना। और जब वो क्या हो, जब वो गर्म रहे तो क्या होता है, आप सबको लगे कि ये क्या बात हो गई, बाकी सबने अलग होता है, पानी अकेले लगे। पानी जब गर्म होता है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। इट स्टार्ट्स एग्जर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ रॉक एंड वाइडेंस द क्रैक। तो पहले ये इमेज देख लीजिए, फिर आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए रॉक के बीच में है, यहाँ पे आइस है, तो जैसे ये रात को ठंडा हुआ तो ये फूकेगा, और फूकेगा तो वैसे रॉक को धक्का देगा, दिख पा रहा हूँ कि नहीं मैं, धक्का देगा, ठीक है, धक्का देगा। स्टार्ट करते हैं फिर, और उस पर प्रेशर डालेगा, क्रैक को और बड़ा करेगा, इवेंचुअली द रॉक ब्रेक डाउन, रॉक ब्रेक डाउन होगा, द प्रोसेस कॉल्ड फ्रीज एंड थॉ वेदरिंग। याद रखिए ना, फ्रीज हुआ और उसके वजह से वो हुआ, उसके वजह से वेदरिंग। अब 2.2 जो डायग्राम हमने देखा वही याद कर लीजिए, ये सब आता है, इंपॉर्टेंट है। इट इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन हाई अल्टीट्यूड्स इन मिड हाई अल्टीट्यूड इन मिड एंड लो लैटिट्यूड। ओहो, बहुत ज्यादा अच्छी चीज बोल दी, देखिए मैं समझाऊंगा, इसलिए तो मैं हूं। ये देखिए अर्थ है, अर्थ का ये देखिए इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या है, बल्जिंग है। तो ये जो यहां से लाइनें हैं, ये इक्वेटर, ये इक्वेटर के ऊपर लैटिट्यूड, लैटिट्यूड देखिए, लैटिट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं, ये लैटिट्यूड है, ये इक्वेटर है जो बीच में एकदम सेंट्रल लाइन गई है, ये हमारा इक्वेटर। अब इक्वेटर से ऊपर नीचे क्या है, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड मतलब कि समझे, अर्थ, अर्थ में लैटिट्यूड होते हैं, हमारा जो भारत है वो कौन से लैटिट्यूड में आता है, 23.5 लैटिट्यूड, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, भारत के हार्ट में से जाता है, बीच में से। सो वहां पे गर्मी रहती है, तो गर्मी में ठंडी कैसे हो जाएगी भैया,
गर्मी में ठंडी कैसे हो जाएगी? तो क्या बोलते हैं, जमीन पे गर्मी होगी, सही बात। अभी देखिए भारत में गर्मी, पसीना पसीना हो, ठंडी का मौसम तभी। लेकिन जब मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर पहाड़ पे, अल्टीट्यूड बोलते हैं, वहां पे ठंडी बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि गर्मी अर्थ का, आपको एक बात सीक्रेट बता दूं, चलिए, जो गर्मी होती है अर्थ पे डायरेक्ट नहीं आती। पहले जो हीट है वो अर्थ पे सरफेस पे आती है, फिर अर्थ के सरफेस से रेडिएट होकर बाकी हमारे एनवायरमेंट में जाती है। जी हाँ, सबसे मेजोरिटी का सोर्स यही है। तो ऊपर पहुंचते पहुंचते ठंडी हो जाएगी, जब अर्थ से पहले सन गिरा, फिर अर्थ से जाते जाते, इसलिए ऊपर का पार्ट ठंडा होगा, वहां पे बर्फ मिलेगी। आप मुझे एक एग्जांपल, मैंने लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन पूछा था कि पूरे वर्ल्ड में वोल्केनो के माउथ पे आइस कहीं एक ही जगह मिलता है, वो लोअर लैटिट्यूड में। लोअर लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर। इक्वेटर पे गर्मी बहुत होती है गाइस, आप लोग 10th में पढ़े होंगे। थोड़ा दूर दूर जाएंगे ठंडी बढ़ती जाएगी, लेकिन 23 और 23 कैंसर और 23 कैप्रिकॉन, ऊपर नीचे नॉर्थ और साउथ दोनों जगह हीट रहती है, फिर भी यहाँ पे बर्फ कहाँ पे हो, और वो भी वोल्केनो, कितनी सारी चीजें गर्म कर रही है, फिर भी बर्फ कैसे मिला? वो माउंटेन का नाम लिखिए, हाई अल्टीट्यूड एज वेल एज माउंटेनियस। लैटिट्यूड में कहाँ मिलेगा? लैटिट्यूड मतलब ऊपर 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 जाएंगे तो लैटिट्यूड में, एज वेल एज माउंटेनियस रीजन। तो हाई लैटिट्यूड में तो सवाल भी नहीं उठता है, वहां पे तो वैसे भी ठंडी रहने ही वाली है। जब लोअर लैटिट्यूड की बात करें तो वहां पे अल्टीट्यूड पे और माउंटेन जहां जा रहे हैं वहां मिलेंगे। तो सेडिमेंट्री रॉक सच एज सैंडस्टोन, एग्जाम्पल याद रख लीजिए, सेडिमेंट्री रॉक का सैंडस्टोन। ग्रेट एंड कॉन्ग्लोमरेट, ग्रेट कॉन्ग्लोमरेट मतलब जमा होना, कॉन्ग्लोमरेशन जमा होके बड़ा होते जाना, गेट इजिली डिसइंटीग्रेटेड ड्यू टू वॉटर। तो कॉन्ग्लोमरेट्स में ऐसे रॉक जो जमा हुए एक दूसरे से रख रख के, सेडिमेंटरी रॉक टाइप ही होते हैं लेकिन ये जमा हुए से, इस तरह से अलग अलग टाइप है। जब सेम टाइप वो भी सॉफ्ट रॉक है सेडिमेंट, अरे हमारा जो सेडिमेंटरी रॉक था सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट में भी अगर एक ही टाइप के पार्टिकल से बना रहे और वो बीच में जो उनका फिलर बोलते हैं, ये फिलर अगर स्ट्रांग ना रहे तो ये बहुत वीक सॉफ्ट ज्यादा हो जाते हैं। और यहीं पे ये जो सेडिमेंटरी रॉक एक ही से बने लेकिन बीच में इंप्योरिटी है और ये इंप्योरिटी इनको बाइंड बहुत तेज करे, तो ये थोड़ा सा हार्ड रॉक हो जाए। तो हमारे किसमें, हमारे सेडिमेंटरी रॉक में, ध्यान रखिए सेडिमेंटरी रॉक में रोल ज्यादा प्ले होता है ये जो फिलर होते हैं, फिलर एलिमेंट। अगर ये बाइंडर है तो ये थोड़ा टाइम देगा, और ये अगर लूज करवाता है तो ये टाइम कम लेगा। इसके लिए वेदरिंग के लिए द वॉटर ऑल्सो ब्रेक्स डाउन द रॉक्स केमिकली, हमने फिजिकली देखा ये फिजिकली वॉल्यूम बढ़ा वॉल्यूम कम हुआ, बढ़ा कम हुआ। और ऐसा एक दिन में नहीं होता कि आज रात को फुट करके फुट कर रॉक टूट गया, नहीं, टाइम लगता है, हजारों साल लगते हैं इसके लिए। दिस कैन हैपन इन टू वेज, वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद मिनरल प्रेजेंट इन द रॉक्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे समझ नहीं पाते हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, समझिए रॉक है, रॉक के जो ये कण है जो इसके पदार्थ जिन पदार्थों से बना हुआ है वो वाटर में ही, वाटर H2O में ही घुल जाते हैं, और जब घुले तो बोलेंगे उसे हाइड्रोलिसिस। तो क्या हो गया, अपने आप घुल गया तो इरोड हो गया ना, गायब हो गया ना, पानी में ही घुल गया, तो वो कम हो गया कि नहीं रॉक के सरफेस से। इफ द रॉक इज मेड अप ऑफ दोज मिनरल्स विच रिएक्ट इजिली टू वाटर, द कंपाउंड्स ऑफ दोज एलिमेंट विल फॉर्म एंड ब्रेक द रॉक। अब क्या होगा, अब जो इजीली रिएक्ट करते हैं वाटर से फटफट रिएक्ट हो जाएंगे तो खत्म ही हो जाएगा। दिस प्रोसेस कैन हैपन विद दोज इग्नियस रॉक्स व्हिच हैव सिलिकेट मिनरल, द रिजल्टेंट कंपाउंड विल ब्रेक द रॉक बाय चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मिनरल इन द रॉक आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ये दूसरा केस, एक तो हुआ कि उसमें गल गया, गल रहा है और वो कंपाउंड का चेंज नहीं कर रहा। अब दूसरी चीज क्या हो रही है, सिलिकेट, सिलिकेट मतलब सिलिकॉन से बना, ठीक है, कार्बन के नीचे होता है सिलिकॉन, पीरियडिक टेबल में जाएंगे, ठीक है, सब आज सब पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी आती है, फिजिक्स भी आती है, सब पढ़ेंगे हम लोग। तो सिलिकॉन कार्बन के नीचे, तो वो क्या होता है, देखिए अगर कोई रॉक है जो सिलिका से बना, सिलिकेट से, अब ये पानी है, पानी H2O, अब ये इसमें घुले, अब ये घुलने के बाद जो कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोलिसिस नहीं, जो घुलने के बाद जो कंपाउंड बनाता है वो और डेंजरस हो जाता है रॉक को तोड़ने के लिए। अब जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा, क्योंकि मैं अब क्यों कंपाउंड का नाम नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि सिलिकेन सिलिकॉन में बहुत सारे कंपाउंड आते हैं, सिलिकेट के बहुत सारे टाइप, अब कौन सा सिलिकेट वाटर से जुड़ेगा उस हिसाब से हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है। तो देखिए मैंने ये बना लिया, नया कुछ पैदा हो गया, अब ये जो नया पाना पैदा हो गया ये जाके इसको और तेजी से तोड़ेगा,
इसके केमिकल को और तेजी से तोड़ेगा, क्योंकि इसको सिर्फ जरूरत थी पानी की, और पानी रॉक के बीच में आ चुका है, पानी था ऑलरेडी, और इसको जाके वो सिलिकॉन मिला, अब वो डेंजरस हो जाता है। ये बोलने का मतलब है कहां पे, इग्नियस रॉक में। इग्नियस रॉक किसके बने होते हैं, फेरस और सिलिका से, ध्यान में है कि नहीं, दो टाइप के सिलिका होते हैं। ये पहला लेक्चर है गाइस, प्लीज फॉलो करिए, सिलिका बोल रहा हूं। दो टाइप के हमारे लावा होते हैं, एक एसिडिक एक बेसिक, प्लीज पीछे के लेक्चर्स को मत भूलिए, वही बेस है आपके। फॉर फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग टू हैपन, द वॉटर प्रेजेंट एज मॉइस्चर इन द सॉइल और एयर इज ऑल्सो इनफ टू कॉज वेदरिंग। ये नहीं कि पानी पूरा जाके बैठ ही जाए, हवा में भी जो पानी होता है ना, मॉइस्चर बढ़ जाए, वो जाके उनके अंदर मॉलिक्यूल, उनके कणों के अंदर जो रॉक है उसके अंदर घुस के तोड़ सकता है। केमिकली क्या चाहिए था, सिलिका तो रॉक पे था, वाटर जाके जुड़ गया, वो बोलेगा ओ भाई चलो तोड़ते हैं उसको, तो देर से तोड़ देगा उसको, समझ गए, ब्रेक करता है, बॉन्ड से बने होते हैं ना, वो बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो आपको केमिकल और फिजिकल दोनों बता दिया, ठीक है। तो आप लोग को एक क्या याद रखना है कि पहले तो उसमें डिजॉल्व हो गया, तो पहला वाला केस बहुत ईजी था, सिर्फ ये मॉलिक्यूल टूट के पानी जा रहे, मॉलिक्यूल टूट के पानी जा रहे, पानी तोड़ रहा है। लेकिन दूसरे वाले केस में मॉलिक्यूल पानी के साथ मिलकर एक थर्ड कंपाउंड बना रहे और वो रॉक को तोड़ रहा है। अनदर वे बाय विच वॉटर कैन कॉज केमिकल वेदरिंग इज बाय सोल्यूशन मेथड। पहला वाला हाइड्रोलिसिस मेथड, जहां पे कंपाउंड डिजॉल्व होते हैं पहले, फिर एक केस में वो सिर्फ डिजॉल्व है, दूसरे केस में डिजॉल्व होकर अगला भी थर्ड कंपाउंड बहुत डेंजरस हो जाता है। व्हेन सम मिनरल्स इन द रॉक रिएक्ट विद वाटर इन द रॉक और मॉइस्चर इन द एयर एंड गेट डिजॉल्व, द प्रोसेस इज कॉल्ड सोल्यूशन। और यहाँ पे दे फॉर्म एसिड्स एंड गेट लीच्ड फ्रॉम द मेन रॉक एंड लीड टू डीकम्पोजिशन ऑफ द रॉक। यहाँ पे क्या होती है लीचिंग, लीचिंग मतलब याद कर लीजिए एसिडिक मीडियम का इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो हमारा सोल्यूशन होता है ये बॉन्ड बनाता है, पहले हाइड्रोलिसिस, समझिए अगर मैं बताऊं, समझिए कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड को मैं लिखता हूं सी, ये सिर्फ वाटर H2O के फॉर्म में बना रहता है, ठीक है। अब यहां पे जब ये डिजॉल्व होने को बोल रहे हैं, तो यहां पे समझिए कोई हमारा HCl ले लेता हूं या NaCl ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ये वाटर के साथ ऐसे फॉर्म में नहीं रहते, ये जुड़ के HCl बना देते। फर्क याद रखिए दोनों में, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, कलर ये थोड़ा अलग कर लेता हूं क्योंकि इफेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए हाइड्रोलिसिस में, पहला जो हाइड्रोलिसिस है उसमें जो वाटर है वो एज इट इज प्रेजेंट रहता है H2O के फॉर्म में, समझिए सिलिकेट है, तो कोई सिलिकेट, सिलिकेट सिलिका और ऑक्सीजन से बने होते हैं, तो सिलिकेट CiSiO2.H2 जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर, उसके साथ मिलके नहीं बना होता है, ठीक है। लेकिन हमारे सोल्यूशन के केस में, सॉरी, ये वाटर में घुल जाता है, अब वाटर H2O में नहीं रहता, ये कन्वर्ट होके या तो HCl बनाएगा या NaOH बना देगा, ध्यान रखिए इस चीज, जैसे कि NO2 प्लस H2O NO3 प्लस, हाँ NO2 हवा में रहता है प्लस H2O मिल जाए तो HNO3 बन जाता है, ये क्या है, ये एसिड। अब आपको यहाँ पे H2O फ्री फॉर्म में नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कंफ्यूजन रहता है जब क्वेश्चन पूछा था UPSC और MPSC में कि हाइड्रोलिसिस सोल्यूशन में फर्क क्या है, तो बच्चे ऑलरेडी बोलते हैं कि अरे दोनों में तो डिजॉल्व ही हो रहा है, नहीं, एक में क्रिस्टलाइन बनकर रहता है और एक में पूरा डिजॉल्व हो जाता है। मिनरल्स लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम नाइट्रेट्स, तो देखिए मैं नाइट्रेट का स्ट्रक्चर बनाया हूं, ठीक है, और कैल्शियम मैग्नीशियम और यहाँ पे मैंने सोडियम लिया था, ये देखिए NaCl का जो एग्जाम्पल लिया था आपको दिख रहा होगा, तो ये पूरे के पूरे डिजॉल्व हो जाते हैं, dissolving water. For example, the calcium present in the limestone reacts with water and air to form carbonic acid. So, जैसे कि H2CO3 carbonic acid का form है. ये कैसे? CaCO3 रहता है. CaCO3. याद रखिए. Plus H2O से react कर लेता है. Calcium carbonate react करता है. तो बनता है H2CO3. और या तो अगर आपको और करना तो CaO और CO2 निकल, तो ये बैलेंस करना अलग चीज है, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूं कि रिएक्शन में अगर क्या ये बना हमारे कैल्शियम और क्या क्या रहते हैं। तो नेक्स्ट इसे इरेज कर देता हूं, चीजें थोड़ी थोड़ी अलग होती है, जहां पे कॉम्प्लेक्स होती है मैं आपको बता रहा था डिफरेंशिएट करके, तो आप पढ़ लीजिए, खुद देखिए, खुद से पढ़ेंगे तो आपको कैसा लगेगा कि ये चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। नेक्स्ट, द मिनरल्स डिसॉल्व इन वॉटर एंड गेट कैरिड अवे इन द वॉटर।
कभी कभी ये डिजोल्विंग और इसका लेके जाएंगे। तो लेकिन हमको क्या करना था, अब ये तो इरोजन का पार्ट है जाएंगे ना, हमको सिर्फ क्या करना था यहाँ पे बताना था कि ये वेदर हुआ, रॉक वेदर हुआ। तो पहले वाटर का रोल था हमने देखा फिजिकल, समअप कर देता हूँ, फिजिकल, फिजिकल में धक्का धुक्की, दूसरा केमिकल, केमिकल में दो हाइड्रोलिसिस जहां पे एनहाइड्रो मतलब वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में फॉर्म अवेलेबल रहता है हाइड्रोलिसिस, और दूसरा पूरा डिजोल्व हो जाता है जिसे बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोलिसिस में भी हमने दो केस पढ़े थे, एक तो वाटर में सिर्फ डिजोल्व हो गया बस वहीं पे पड़ा रहा, और एक वाटर के साथ डिजोल्व हो गया थर्ड कंपोनेंट बताया, और थर्ड कंपोनेंट ने क्या किया रॉक को फिर से डिग्रेड ज्यादा रेट से करने लगा। तो ये सब चीजें तो आप लोगों को होपफुली पूरा लेक्चर समझ में आओगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग ऑक्सीजन का रूल पढ़ेंगे, सबसे टफ होता है ये हमारा वाटर का, इसमें हाइड्रोलिसिस और सॉल्यूशन वाले टर्म थोड़े टफ गिरते हैं, जो मैंने आप लोगों को इजीली से बताने के तरीके की कोशिश की है, क्या बोल रहा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ कि मिलेंगे दोबारा।